हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आरोह भाग दो क्लास ट्वेल्थ की बुक से। पहला चैप्टर है आत्म परिचय और ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इनके पहले बारे हरिवंश राय बच्चन के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1907 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई थी, ठीक है, मुंबई में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण इत्यादि। और हरिवंश राय बच्चन इस आत्म परिचय के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि जो इनके अंदर जो जग में जो जीवन का जो बोझ है, इनके अंदर सांसारिक कष्ट है, वो कैसे लेके फिरते रहते हैं, उसमें प्रेम, उससे सांसारिक कष्ट में भी क्या पाया गया है, इनके प्रेम ही पाया गया है। प्रेम के रूप में दर्शाया है कि चाहे हमारे अंदर दुख हो चाहे सुख आए, सब में क्या है, प्रेम ही प्रेम है। और इनको प्रेम करना कहाँ से आया, ये अपनी प्रियतमा से सीखे हैं, क्योंकि उनके प्रियतमा ने सिखाया था कि प्रेम करना सिखाया था, तब से ये प्रेम ही प्रेम उनके चारों ओर क्या है, प्रेम ही प्रेम है। और अपने अंदर भी प्रेम है, उनके अंदर भी प्रेम है, और दूसरों को भी क्या करना, प्रेम बांटते रहते हैं कि सबको प्रेम की, चाहे सुख है चाहे दुख है, सबको एक समान रहना है, प्रेम को लेके रहना है, ठीक है। और उसके उनके पूरे कविताओं में बस प्रेम का ही रूप इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। पहला इनका जो वो है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन क्या कहना चाहते हैं कि मैं जग में संसार होता है कि जो संसार के जीवन का जो बोझ है वो लेके फिरते रहते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, वो अपने जीवन में प्यार लिए फिरते हैं। उनका कवि कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको प्रेम के रूप में उसको लेके फिरते रहते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जीव को छूकर, और कभी कहते हैं कि कर दिया मतलब उनके हृदय को ऐसे कोई छूकर झंकृत कर दिया। झंकृत क्या होता है, इनके हृदय को छूकर, उनकी प्रियतमा है, उनके हृदय को छूकर उनको प्रेम करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, तभी तब से वो प्रेम के बारे में जान गए और प्रेम करना सीख गए। और सबको अपने आसपास में भी प्रेम करना सबको सिखाते हैं, सबको बांटते रहते हैं कि प्रेम करो, ठीक है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, और उनके सांसों में जो तार है, तार मीन्स ध्वनि, जो ध्वनि है, ध्वनि में भी उनके प्यार छुपा हुआ है, और ध्वनि में भी प्यार निकालते हैं कि प्यार है हमारे अंदर, और उसको लेकर फिरते रहते हैं। फिर से समझा देते हैं एक बार, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। दो लाइन पहले इसका आप देख लीजिए। कभी कहते हैं कि मेरे मैं जग मीन संसार के जो जीवन में मेरे जो संसार में जिससे संसार के जो जीवन में जितने भी बोझ हैं, मेरे संसार के जीवन में जितने भी बोझ हैं, उसको क्या करके उसको लेकर वो चलते फिरते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कितना भी दुख है, कष्ट है, लेकिन उसमें फिर भी उसमें क्या करते हैं, प्यार उसमें ढूंढते हैं कि प्यार को लेकर फिरता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, और उन कर दिया मतलब उनकी उनकी प्रियतमा ने उनके हृदय को छूकर क्या कर, प्रेम करना सिखाया, तब से वो प्रेम ही प्रेम चारों ओर देखते कि सारा संसार में क्या है, प्रेम ही प्रेम है। और अपने सांसों में भी, सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, और दो तार मीन्स उनके ध्वनि, ठीक है, कि अपने सांसों में जो ध्वनि है उसमें भी प्रेम लिए फिरता हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ स्नेह सुरा है, स्नेह मीन्स क्या होता है, प्रेम, सुरा मीन्स होता है शराब, कि कभी कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी शराब को
पीता हूँ। मैं कभी न जल का ध्यान किया करता हूँ और कभी कहते कि मैं किसी इस संसार में संसार का मैं ध्यान नहीं करता हूँ कि संसार हमारे लिए क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसको छोड़कर उसका कभी ध्यान नहीं करते हैं। और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार किसको पूछता है, जो जग की गाते हैं, जो संसार की गाते हैं और उनके सांसारिक उलझनों में क्या होते हैं, उलझे हुए होते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कभी कहता है कि मैं अपने मन का गाता रहता हूँ, मैं अपने मन का जो प्रेम रूपी गाना है उसको गाता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है निज मीन्स होता है अपना, उड़ मीन्स होता है हृदय, उद्गार मीन्स मन के भाव, जो मन के भाव है उसको लेकर फिरता रहता है। तो कभी कहता है मैं अपने हृदय के मन के भाव को लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के जो उपहार है वो दूसरों में बांटता रहता हूँ, देना चाहता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता और मुझे यह अपूर्ण संसार मुझको नहीं भाता है, ये संसार मेरे लिए क्या है, अपूर्ण है, जहाँ प्रेम नाम का कोई शब्द ही नहीं है, नाम ही नहीं है, वहाँ वो क्या है, मेरे लिए संसार क्या है, अपूर्ण है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ और मैं अपने सपनों का संसार, कभी कहता है कि मैं मेरे सपनों में जो मेरा सपनों का जो संसार कैसा है, प्रेम रूपी है, मेरे सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, कभी कहना चाहता है कि जो मेरे सपनों में जो संसार कैसा है, प्रेम है, प्रेम रूपी है, तो उसको क्या करता है, लेके फिरता रहता है। फिर से बोल दे रहे हैं, मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, आपको पता होगा कि उद्गार मीन्स मन के भाव होता है, उड़ मीन्स हृदय होता है, निज मीन्स अपना। ठीक है, कभी कहता है मैं अपने हृदय के मन के भाव को लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के जो उपहार है वो दूसरों में बांटना चाहता हूँ, बांटता रहता हूँ। ठीक है, मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता और मेरे लिए संसार क्या है, अपूर्ण है और मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं भाता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मेरे सपनों में कैसा है, प्रेम रूपी संसार है, उसको लेकर फिरता हूँ। नेक्स्ट है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कभी कहना चाहता है कि मेरे हृदय में जला कर, मैं अपने हृदय में क्या जलाया है, अग्नि, अग्नि जलाया है, दहा मीन्स यहाँ भी जलाना है, यहाँ भी जलाना है। ठीक है, दहा का मतलब यहाँ जलाना है और यहाँ जलाना का भी जलाना अर्थ होता है। ठीक है, तो कभी कहना चाहता है मैं अपने हृदय में जलाकर क्या रखा हूँ, अग्नि, अग्नि जलाकर रखा हूँ, सुख हो दुख हो दोनों में मैं मग्न रहा करता हूँ, चाहे मेरे यहाँ सुख है दुख है दोनों में मैं मग्न रहा करता हूँ, मस्ती में रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, संसार है, जग मीन्स संसार, भव मीन्स सागर, वो संसार, भव संसार रूपी जो सागर है उसको तरने के लिए लोगों ने क्या क्या हथकंडे अपनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ और मैं संसार रूपी जो भव सागर है उस पे मैं मस्त बहा करता हूँ। फिर से बता दे रहे हैं, मैं जला हृदय में अग्नि, मैं अपने हृदय में जलाकर अग्नि, अग्नि को जला रखा है और उसको लेकर अपने हृदय में रहता हूँ, सुख आए चाहे दुख आए दोनों में मैं मग्न रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ। जग भव संसागर तरने को नाव बनाए, संसार क्या है, जग मीन संसार, संसार जो संसार जग है वो भव सागर को पार करने के लिए क्या से क्या हथकंडे अपनाए लेकिन तब भी उसको पार नहीं कर पाते हैं, कर पाए।
मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ और मैं इस संसार रूपी जो भाव सागर है उस पर मैं मस्त बहा करता हूँ और एक दिन मैं किनारे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया। लास्ट है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है यौवन मीन्स युवा अवस्था, कभी अपने को क्या मानता है, युवा अवस्था मानता है कि मैं युवा अवस्था का उन्माद मस्ती में लिए फिरता हूँ। उन्माद मीन्स होता है मस्ती, ठीक है। यहाँ अवसाद होता है, अवसाद मीन्स दुख होता है। तो कभी कहना चाहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं अपनी युवा अवस्था का जो है युवा अवस्था को बहुत मस्ती से लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उस मस्ती में भी जो दुख है, जो दुख में भी हम क्या करते हैं, मस्ती में लिए, मस्ती में रहते हैं, मस्ती में लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसाती है बाहर हंसा रुलाती भीतर। तो कभी कहता है कि मुझे तो बाहर बहुत हंसाती है, मैं बाहर बहुत मस्ती में रहता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से क्या रुलाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास दुख नहीं है, कभी कहता कि मेरे पास भी दुख है, लेकिन मैं बाहर क्या मस्ती में रहता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है कि मेरे अंदर दुख है। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि मुझे बाहर तो हंसा देती है लेकिन अंदर से मुझे रुलाती भी है। किस लिए रुलाती है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपनी जो प्रियतमा है उनकी याद को लिए फिरता रहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा प्रेम में ही प्रेम में रहता हूँ। फिर से बता देते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है मैं अपनी युवावस्था को मस्ती में जीता हूँ और मस्ती में ही अपना फिरता रहता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता और मेरे जो दुख भी है मेरे अंदर उसमें भी क्या है, मस्ती में ढूंढता हूँ और मस्ती में ही अपना जीता हूँ, चलता रहता हूँ, जो मुझको बाहर हंसाती है मुझे क्या है बाहर से हंसा देती है लेकिन अंदर से भीतर से मुझे रुलाती रहती है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ और मैं भी किसी की यादों में मैं जीता हूँ और उसको लेकर दुखी रहता हूँ, लेकिन क्या मैं तभी प्रेम लेकर ही प्रेम रहता है मेरे अंदर, दुख नहीं रहता है। ठीक है, मैं बाहर से हंसता रहता हूँ, मौज मस्ती में रहता हूँ। तो ये कवि ये प्रेम के बारे में यहाँ वर्णन किए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका पहला भाग है, पहला भाग मैं पढ़ा दी और दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।